Hello everyone, we are going to continue CBS English class 7th chapter 9 A Bicycle in Good Repair part 2nd. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me. Means जो दूसरा बच्चा है उसने मुझसे कहा कि वह अब मेरी साइकिल की चेन को भी देखेगा. And at once began taking off the gear case. और उसके साथ ही उसने गियर केस को निकालना चालू कर दिया. I did try to dissuade him from that. मैं उसे रोकना चाहता था. I told him what an unexperienced friend of mine once said to me solemnly. मैंने उसे कहा कि मैंने ऐसा सुना है, एक बार मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one. It comes cheaper. कि यदि आपकी साइकिल में गियर केस ख़राब हो जाए तो आपने इस मशीन को बेच देना चाहिए, साइकिल को बेच देना चाहिए और एक नई खरीद लेना चाहिए जो कि सस्ती आती है. ही सेड मीन्स वो दूसरा बच्चा बोला, पीपल टॉक लाइक देट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स. वो लोग जो मशीन्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते वो ऐसी ही बात करते हैं. नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस. गियर केस को सुधारने से ज़्यादा आसान कोई भी काम नहीं है. आई हैड टू कॉन्फेस ही वॉज राइट. और मुझे मानना पड़ा कि वह सही था. इन लेस देन 5 मिनट्स ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस. लगभग 5 मिनटों में उसने गियर केस को 2 भागों में बांट दिया. लाइंग ऑन द पाथ एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज. और वह जमीन पर पड़ा हुआ था गियर केस और उसके सारे स्क्रू इधर उधर बिखर रहे थे. ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू डिसअपियर्ड. वह बोला कि उसके लिए हमेशा रहस्य की बात होती है कि स्क्रू कहाँ चले जाते हैं. कॉमन सेंस कंटिन्यूड टू विस्पर टू मी. अब जो ऑथर है वह खुद से बात करने लगे कि अब मेरे मन में कॉमन सेंस जागा. कॉमन सेंस ने मुझसे कहा, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ. यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेविजेस ऑफ अ लॉन्टिक. मीन्स आप उसे रोक दो इससे पहले कि वह कोई और गलती करे. आपको अधिकार है कि आप अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करें एक पागल आदमी के हाथों डैमेज होने से. टेक हिम, देखिए रेविजेस मीन्स डैमेज होना और ल्यूंटिक मीन्स मैडमैन से. टेक हिम बाय द स्कफ ऑफ द नेक और एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट. आप उसे गर्दन पकड़ कर खड़ा कर दो और गेट से उससे बाहर कर दो. बट आई एम वीक वेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड आई लेट हिम मडल ऑन. मडल ऑन मीन्स मिक्सअप हो जाना. लेकिन मैं दूसरे की भावना को ठेस पहुँचाने के मामले में बहुत ही कमज़ोर हूँ इसलिए मैं उसके साथ मिक्सअप हो गया. ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज. और वह बाकी स्क्रूज के लिए देखने लगा. ही सेड स्क्रूज हैड अ नेक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम. वो बोला कि स्क्रू तो इधर उधर चले जाते हैं जब आप उन्हें संभाल के रखने की उम्मीद करते हैं. एंड देट नाउ ही वुड सी टू द चेन. और अब मैं चेन को देखूंगा. ही टाइटन्ड इट. उसने चेन को टाइट किया. टिल इट वुड नॉट मूव. जिससे कि वो इतना टाइट कर दिया कि वो चेन मूव ही नहीं हो सकती थी. नेक्स्ट ही लूजन्ड इट अनटिल इट वॉज स्क्वीज एज लूज एज इट वॉज बिफोर. उसके बाद उसने उसे इतना ढीला किया जितनी चेन वह पहले ढीली थी उससे भी 2 गुना ढीला कर दिया. देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस अगेन. उसके बाद वह बोला कि यह अच्छा होगा कि हम फ्रंट व्हील को वापस उसके स्थान पर लगा दें जिसे वो पहले लगा हुआ था. आई हैड द फोर्क ओपन. मैंने फोर्क को ऊपर पकड़ा खोला. एंड ही वरीड विद द व्हील. और वह व्हील को लगाने लगा. एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स लगभग 10 मिनट के बाद में आई सजेस्टेड ही शुड होल्ड द फोर्क. मैंने उसे सजेस्ट किया कि अब आप फोर्क को पकड़ो एंड देट आई शुड हैंडल द व्हील. और मैं व्हील को लगाने की कोशिश करूँगा. एंड वी चेंज प्लेसेस. और हमने प्लेसेस को चेंज किया. आपने अपने स्थान बदल लिया. एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन. उसके बाद हमने चीज़ को उसकी पोजिशन पर लगा दिया. ये देखिए ये पोजिशन में लगा रहे हैं. फोर के एक बच्चे के हाथ में दूसरा बच्चा लगा रहा है. एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बर्स्ट आउट लॉफिंग. और जब वह लग गई तो वह हंसने लगा. जब दूसरा बच्चा वह हंसने लगा. आई सेड मीन्स मैं बोला. मैं मीन्स राइटर बोला, ऑथर बोला जिन्होंने स्टोरी लिखी. वॉट इज़ द जोक मीन्स क्या मजाक है. ही सेड वेल आई मीन एस. वह बोला कि मैं एक गधा हूँ. इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी एक्सपेक्ट हिम. यह पहली बात उसने कही जो मुझे लगा था कि उसने बिल्कुल सही कही है इसलिए मेरे मन में उसके प्रति रिस्पेक्ट जागा. आई आस्क्ड हिम वॉट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी. मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो. ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स. वह बोला कि हम बॉल्स को तो लगाना ही भूल गए हैं. मीन्स हम छोटे छोटे छर्रे जो साइकिल में लगते हैं लगाना ही भूल गए हैं. आई लुक्ड फॉर माई हैड. इट वॉज लेइंग टॉपसी टर्वी मीन्स अपसाइड डाउन इन द मिडिल ऑफ द पाथ. और मैंने अपने हैड को देखा जो कि रास्ते में बीच में पड़ा हुआ था. ही वॉज ऑफ अ चेयरफुल डिस्पोजिशन.
ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। वह बोला कि चलो जितने मिल गए हैं हम उन्हें लगाते हैं और फिर देखते हैं कि अब आगे क्या करना है। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो।